Hi everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to create this beautiful Bengali Durga Puja look. सब लोग नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो आई थॉट क्यों ना दुर्गा पूजा लुक भी क्रिएट किया जाए. तो अगर आप देखना चाहते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. तो स्टार्ट करते हैं. मैं स्किन प्रेप करने के लिए डर्मा का सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम यूज़ करने वाली हूँ और फेस को उसी एसिड से मसाज करके फेस को हाइड्रेट करूँगी. उसके बाद आई मेकअप के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ स्कॉच टेप. उसके हेल्प से कैसा है कि अपना जो आई शेडो है उसके लिए फेस शेप क्रिएट होगा. और सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर आई बेस के लिए. एंड उसके बाद वो सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का लूज पाउडर इन द शेड 15. नेक्स्ट मैं आई शेडो के लिए आज यूज़ करने वाली हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड री मास्टर पैलेट. एंड उसमें से मैंने एक वॉर्म न्यूड ब्राउन शेड लेके अपने जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर प्लेस किया है. एंड एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से वो अच्छी तरीके से अपने क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया है. उसके बाद सेम पैलेट से मैंने यूज़ किया ये डार्क ब्राउन शेड. एंड ऑन द आउटर वी आई एम गोइंग टू प्लेस दैट आई शेडो विद द स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एंड एक वाइपिंग मोशन में मैंने वो ब्लेंड किया है. उसके बाद उससे थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क शेड लेके फिर से मैंने उस पर प्लेस किया है आउटर वी पे. एंड शिमर के लिए मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का लिक्विड आई शेडो एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन दी लिड ऑफ माई आईज़. उसके बाद मैंने यूज़ किया है उस पर थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ये जो गोल्डन कलर का ब्यूटीफुल स्पार्किंग शिमर शेड है जो प्रेस ग्लिटर हम उसको बोलते हैं. विद हेल्प ऑफ फिंगर मैंने ये अपने आईलिड पे प्लेस किया है. उसके बाद एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने एक ब्लैक आई शेडो अपने आउटर वी पे प्लेस किया है. वो अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड किया है लाइक दिस. नेक्स्ट मैंने एक मूनस्टोन नाम का एक आई शेडो है उसमें से लेके मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश से अपने जो ब्राउ बोन है उसको हाईलाइट किया है. और उसके बाद लैक्मे का मैंने लिक्विड आईलाइनर लेके लाइन आईलाइनर ड्रॉ किया है. एंड फॉर द मस्कारा आई हैव यूज्ड मेबलिन का हाइपोकर्ल मस्कारा इन द शेड वाटरप्रूफ ब्लैक. फेस को हाइड्रेट करने के लिए नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है यहाँ पे फेशियल ऑयल. एंड दिस इज़ पैशन इंडल जियो का एंटी एजिंग फेशियल ऑयल. एंड उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर से आप अपना फेस मॉइस्चराइज कर सकते हो. और उसके बाद प्राइमिंग के लिए मैंने यूज़ किया है नायका का प्रेप एंड प्राइम. एंड फॉर द कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ टुडे मेकअप स्टूडियो का कंसीलर पैलेट. उसमें से मैंने पीच कलर का करेक्टर यूज़ करके अपने अंडर आई पे जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैंने प्लेस किया है. मेरे अराउंड माई माउज माई चिन एरिया और एक वेट ब्लेंडर के हेल्प से मैंने वो ब्लेंड किया है. उसके बाद फॉर द फाउंडेशन आई हैव यूज्ड फॉरएवर 52 का दो शेड्स. उसमें से मैंने 14 एंड 4 शेड को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्रश. एंड उसके बाद वो ब्लेंड करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप ब्लेंडर. अच्छी तरीके से अपने फेस को नेक को ब्लेंड किया है फाउंडेशन. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पाउडर पफ आई एम गोइंग टू सेट माय फेस. आई एम यूजिंग योर मेबलिन का फिट मी का लूज पाउडर. एंड एक वी कैन यूज ब्रश आल्सो फॉर सेटिंग आवर फेस. फॉर हाइलाइटिंग माय लो लैश लाइन आई हैव यूज नायका का ग्लिटर पेंसिल. एंड फॉर वाटर लाइन हैव यूज प्लम का काजल. नेक्स्ट मैंने इनर कॉर्नर के हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे एक हाईलाइटर शेड फ्रॉम सेम हुडा ब्यूटी पैलेट. नेक्स्ट फॉर कंटोरिंग आई हैव यूज मेबलिन का मास्टर क्रोम कंटोर पैलेट. एंड उसमें से मैंने ब्राउन शेड लेके अपने फेस को कंटोर किया है
like this, my cheekbones, jawline, nose. For the blush, I have used again Makeup Studio ka blush palette. This is the shimmer blush palette and beautiful pinkish colors available hai is palette mein. और फॉर द हाईलाइटर आई हैव यूज्ड टुडे मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय चीक बोन्स माय नोज फोरहेड चिन क्यूपिड्स बो. उसके बाद फॉर द फिलिंग माय ब्राउज हैव यूज्ड ब्लैक आई शेडो फ्रॉम सेम हुडा ब्यूटी. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी वेयर की है, गजरा वेयर किया है. यहाँ पे मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ विद द सेम हाईलाइटर एंड फॉर द लिप्स टुडे आई एम गोइंग टू वेयर रेड कलर बिकॉज दिस इज़ बंगाली लुक एंड आई एम यूजिंग द क्लासिक रेड फ्रॉम मैक. दिस इज़ द मैक रूबी ब्लू the favorite lipstick of all the time of all the girls. I hope you enjoy watching this video guys, and if you did then please don't forget to like, share and you know subscribe to my channel. I hope I can come up with a new nice video like this, and please do support and like and share. Thank you so much.